नमस्कार, आप देख रहे हैं टाली पीप्स, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। और अब बात करूंगी शो उडारिया की, जहां पर अब दीपक पहुंचने वाला है एकम के घर। और वहां पहुंचने के बाद दीपक के सामने कुछ ऐसा आएगा कि दीपक के पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। अब बात करें कि दीपक एकम के घर क्यों जाएगा, तो आसमा की हो चुकी है आलिया से और आलिया के घर वालों से दोस्ती। और फिर क्या, आलिया अपने पापा से और बाकी घर वालों से अपनी दोस्त आसमा को मिलवाने ले गई है। और वहीं पर आपको बता दूं कि आसमा के साथ साथ उसके पापा दीपक भी पहुंचे हैं। और जैसे ही दीपक पहुंचते हैं उस घर पर, तो देखते हैं कि ये तो एकम का घर है। नहमत और एकम हैं ये लोग, जिसके बारे में मुझे हरलीन ने बताया था और मुझे साफ साफ हिदायत दिया था कि कुछ भी हो जाए आसमा एकम और नहमत से नहीं मिलने चाहिए। लेकिन ये क्या हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से हमारी प्यारी सी दीपक के सामने हमारी प्यारी सी आसमा आलिया के कनेक्शन का सच तो आएगा ही, लेकिन साथ ही साथ हमारी प्यारी सी हरलीन के अतीत का एक बहुत ही बड़ा राज भी उसके सामने खुलकर आ जाएगा कि किस तरीके से सालों पहले हरलीन ने नहमत से उसकी बेटी आलिया को चुरा लिया था। और जब हमारी आलिया माँ जब हमारी आलिया बड़ी हुई, तो उसे जो है नहमत के खिलाफ उसने भड़का दिया और उससे आलिया को छीन लिया गया। उसके बाद हरलीन आज तक बदले की मुकाम में है, जो जल रही है आग में वो दीपक को अच्छे से पता है, जिसकी वजह से उसने आज तक आसमा को भी अपना प्यार नहीं दिया है। लेकिन आसमा को उसने अकेले ही इतना प्यार दिया है कि वो इतनी प्यारी और इतनी खूबसूरत सी बच्ची बनकर सामने आई है। और अब बस दीपक को यही डर सता रहा है कि कहीं गलती से भी हमारी प्यारे से एकम और नहमत को या घर में किसी को भी ये बात पता चल गई कि हमारी जो प्यारी सी आसमा है ये किसी और की नहीं हरलीन की बेटी है, तो क्या होगा। अब देखते हैं कि दीपक यहाँ से आसमा को लेकर कैसे जाएगा और आसमा को कैसे एकम और उसके पूरे परिवार से दूर रखेगा। देखना होगा, बेहद दिलचस्प।